इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर में इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। विकास की योजनाएं नहीं हो पाती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपका के समय को छोड़ दो, लेकिन शेष सामान्य दिनों में 2017 से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक समान बिजली वितरण की व्यवस्था की। हमने भेदभाव नहीं किया कि हम बदलापुर में बिजली देंगे, लेकिन हम डोगरा पांचापुर में नहीं देंगे, कभी नहीं कहा। हमने कहा अगर बदलापुर में मिलेगी तो डोगरा पांचापुर में ही हम बिजली देंगे। जनता तुम्हारी जनता, हमने भेद नहीं कहा किया कि राजधानी लखनऊ में बिजली आएगी, गोरखपुर में बिजली आएगी, काशी में बिजली आएगी, जौनपुर में नहीं आएगी। हमने कहा नहीं, जैसे गोरखपुर लखनऊ और काशी में बिजली है, वही बिजली जौनपुर में भी बिजली चलती है। क्या 2017 के पहले भी ऐसे होता था? तो आपको चेहरा देखा जाता था, तब चेहरा देखा जाता था। तो जनपदों को बिजली, चार जनपदों को बिजली, इकहत्तर जनपद अंधेरे में, सड़कें नहीं बनती थी, जहां से गड्ढे सड़कों पर प्रारंभ हो जाए पता लग जाता था उत्तर प्रदेश आ गया। सायकाल जहां से मेरा प्रारंभ होता था पता लग जाता था उत्तर प्रदेश आ गया। जहां पे चोरी, डकैती, अपहरण, वहां बेटियों की इज्जत तार तार करने वाली स्थिति देखने को मिलती थी, ये उत्तर प्रदेश का नजारा था। हर पर्व और त्योहार के पहले जहां बड़े बड़े दंगे होते थे, वो उत्तर प्रदेश के रूप में उस समय इन लोगों ने इस प्रकार की कुख्याति उत्तर प्रदेश को दिलाई थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज तो पर्व और त्योहार, आपने देखा होगा कल ही हमारी सरकार ने एक व्यवस्था की है, जिसे बोल दिया है कि कोरोना नियंत्रण में है, हम सावधानी जरूर रखें। और मेरा आप सबसे अपील है कि हमें कोरोना के प्रति पूरी सजग होकर के कार्य करना है, सतर्क रहना है, सावधान पर सावधानी बरतनी है। लेकिन सरकार ने भी तय कर दिया है कि आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा की पूजा का कार्यक्रम, दुर्गा पूजा के कार्यक्रम होंगे। आदि स्थानों पर जगह व्यवस्था लेकर के प्रशासन पूजा समितियों को परमिशन दे देगी। सरकार ने कहा परमिशन देकर के हम आयोजन को वहां पर सुनिश्चित करवाएंगे, लेकिन क्या पहले तो कोरोना भी नहीं था और तब भी रोक लगती थी, न दुर्गा पूजा होती थी, न रामनाम का आयोजन होने दिया जाता था, न यज्ञ होने दिया जाता था। जैसे कि लगता था कि सभी मारिज और स्वभाव इन्हीं दबों में पैदा हो गए हैं, एक साथ एकत्र हो गए हैं। भाइयों बहनों, आपने 2017 से प्रदेश की बदली हुई तस्वीर देखी होगी। वे बदली हुई तस्वीर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बिना भेदभाव के मिल रहा है। आस्था का सम्मान भी हो रहा है। बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। वर्षों से लंबे सही उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज बात हो रहा था, कब प्रारंभ होगा, कब प्रारंभ होगा। और मैं ये आपको बता दे प्रसन्नता है कि बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोग जौनपुर के शहीद उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी करके जौनपुर वासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा जौनपुर के अंदर ही उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। भाइयों बहनों, किस मामले में कम था? आपके जौनपुर के साथ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति जुड़ी हुई है। इसी जौनपुर को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया था। और भाइयों बहनों, ये जौनपुर की जब बात आती है तो जौनपुर की इग्न की दुनिया के अंदर विख्यात है, इग्न की विख्यात दुनिया। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।